अस्सलामुअलैकुम। आज है 19 मई सन 2024 और हम इस वक्त मौजूद हैं जी जिया बग्गा और काना के दरमियान एक अनमैन लेवल क्रॉसिंग पे, जो कि फ़िलहाल इसको मैन लेवल क्रॉसिंग किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो जिया बग्गा है यहाँ पे हादसा काफ़ी होते हैं, जिसकी वजह से जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस फाटक को, जो कि पहले अनमैन था, इसको अभी मैन लेवल क्रॉसिंग बनाया हुआ। तो बेसिकली एक अनमैन लेवल क्रॉसिंग है जिस पे हम इस वक्त आए हुए हैं और रेल फेंडिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको 15 अप कराची एक्सप्रेस का एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो बोर्ड, वार्निंग बोर्ड अवेज़ा है कि यहाँ से आपने रेलवे लाइन जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पर अबूर करनी है। तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो थ्रू पास होती है गोली की रफ्तार से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं वो, और फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अनमैन लेवल क्रॉसिंग जिस पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पे ट्रेन एक्शन कवर करेंगे। 15 अप का एक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये रेलवे क्रॉसिंग है बेसिकली जहाँ से लोग गुजर के जाते हैं। अभी मैं आपको वार्निंग बोर्ड भी दिखाता हूँ यहाँ पे जो लगा हुआ है। दोस्तों ये रहा साइन बोर्ड वार्निंग, जो कि यहाँ पर मेंशन है कि रेलवे लाइन आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर अबूर करनी है। और यहाँ पर आस पास जो है वो आपको सामने देख सकते हैं कि दूर ही दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही। तो ये बेसिकली एक अनमैन लेवल क्रॉसिंग है। दोस्तों 15 अप कराची एक्सप्रेस आ रही है ZCU 36304 के साथ। कराची एक्सप्रेस गुजर गई है जी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ, कराची से चली और लाहौर की जानिब निकल चुकी है इस वक्त। दोस्तों इस वक्त मैन लेवल क्रॉसिंग पे हम मौजूद हैं कोट लखपत से थोड़ा सा आगे, और आप देख सकते हैं कि मैन लेवल क्रॉसिंग की जो निशानी है वो ये है कि यहाँ पे जो गेट है इस वक्त वो दोनों जानिब बंद हो चुके हैं, ट्रैफिक जो है वो खड़ी है इस वक्त दोनों जानिब, और ट्रेन जब यहाँ से गुजरेगी तो फिर जो है ये गेट खुलेगा। और इस साइड पे जो गेट मैन साहब हैं वो हरी झंडी लेके ट्रेन को पास करवाने के लिए खड़े हैं, और यहाँ पे जो फाटक है वो बंद हो चुका है। तो अभी आपको ट्रेन एक्शन भी दिखाते हैं। ये पहले हमने आपको जो ट्रेन एक्शन दिखाया वो अनमैन लेवल क्रॉसिंग पे था, और अब जो हम आपको ट्रेन एक्शन दिखाने लगे वो मैन लेवल क्रॉसिंग पे है। तो मैन लेवल क्रॉसिंग की निशानी है कि गेट मैन होता है और गेट जो लगा होता है वो बंद हो जाता है ट्रेन के आने से पहले। 8 डाउन आ रही है तो दिखाते हैं आपको वो। ये दोस्तों GU40 लीड कर रहा है 8 डाउन तेजगाम को 90-14। डाउन तेज़गाम बढ़ गई है अपनी मंजिल कराची की जानिब, और अब आप देख सकते हैं कि गेट जो है वो खोला जा रहा है गेट मैन साहब की जानिब से। दोनों साइड का गेट खोला है, पहले इस साइड का खोला और अब ये दूसरी साइड का। तो ये बेसिक जो है वो फ़र्क है अनमैन और मैन लेवल क्रॉसिंग पे। और ये देखें इस साइड से जो ट्रैफिक है वो भी रवाना होना शुरू हो गई है, और दूसरी साइड से जो ट्रैफिक है वो भी इस साइड को आना शुरू हो गई है। दोस्तों मैन लेवल क्रॉसिंग पे दूसरा एक्शन कवर कर रहे हैं, 7 अप तेज़गाम 9007 की लीड में आ रही है। और बढ़ गई आगे लाहौर और फिर आगे रावलपिंडी की जानिब, और गेट खोला जा रहा है गेट मैन की जानिब से। तो ये सीन होता है जी मैन लेवल क्रॉसिंग पे। अनमैन लेवल क्रॉसिंग का भी मैंने आपको दिखाया, और ये मैन लेवल क्रॉसिंग का सीन है। ये देखें दोनों जानिब का गेट जो है वो खोल दिया गया है। तो ये हमारी रेल फेयरिंग थी जो कि आज हमने की अनमैन और मैन लेवल क्रॉसिंग पे जी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि हमने अनमैन और मैन लेवल क्रॉसिंग पे आज हमने ट्रेन एक्शन
कैप्चर की है अपने, और अनमैन जो लेवल क्रॉसिंग पे हमने कवरेज की थी वो जिया बग्गा और काना काछा के दरमियान थी, और वहाँ पे ये था कि बढ़ते हुए हादसात की वजह से जो रेलवेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो उस अनमैन लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पे आर्जी तौर पे एक बंदा बैठा दिया हुआ था, तो उस अनमैन को आप कह लें कि आर्जी बुनियादों पर मैन बना दिया गया था लेवल क्रॉसिंग। उसकी वजह यह थी कि हादसात जो बढ़ते दिन ब दिन बढ़ते हुए हादसात थे उसकी वजह से जो रेलवे इंतजामिया थी उसने ये कदम उठाया था। तो बेसिकली था वो अनमैन लेवल क्रॉसिंग, वहाँ पे हमने 15 अप जो कराची एक्सप्रेस है उसका एक्शन हमने कवर किया, और फिर उसके बाद जब मैन लेवल क्रॉसिंग के लिए हमने जो पॉइंट मुंतखब किया वो कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में वाकई जो फाटक है कोट लखपत स्टेशन से पहले, तो यहाँ पे हमने मैन लेवल क्रॉसिंग पे जो ट्रेन एक्शन कैप्चर की है वो हमारे पास जो पहला एक्शन था उसमें वो 8 down तेज़गाम का था, और उसके बाद जो दूसरा एक्शन हमने वहाँ पे कैप्चर किया वो 7 up तेज़गाम का था। तो दोनों ही एक्शन बड़े धमाकेदार थे। GU-40 लीड कर रहा था दोनों ट्रेन्स को जबकि 15 up को ZCU-30 लीड कर रहा था। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।